मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया तो उसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सब कुछ दे दिया गया, बाकी राज्यों को नजरअंदाज किया गया। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार और आंध्र को इसलिए पैसा दिया गया बजट में से क्योंकि सरकार उन्हीं के दम पर चल रही है। ऐसे में अब जब नीति आयोग की बैठक होनी है बजट के बाद, तो कई राज्यों ने मना कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होनी है। ऐसे में विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि कोई भी मुख्यमंत्री बाध्य नहीं है आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन जिस तरीके से 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है, उसका बहिष्कार करके विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बजट पेश किया गया उसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों की अनदेखी की गई, इसी कारण बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करने की तैयारी कई राज्यों ने कर ली है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब शामिल हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ज़्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पीएम मोदी के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ रहा था तो भले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा हो, लेकिन वो बाहर से सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में जब अब कांग्रेस नीति आयोग बैठक का विरोध कर रही है तो ममता बनर्जी पीएम मोदी का साथ दे रही हैं, जो कि इंडिया अलायंस के लिए निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। आपको बता दें कि इस बैठक में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को बुलाया जाता है, फिर बैठक को संबोधित किया जाता है। इस दौरान सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और चुनौतियों को पीएम के सामने रखते हैं और जब पीएम को लगता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए इस राज्य को इतना बजट दिया जाना चाहिए तो वहीं पर मुहर लगती है। लेकिन पीएम मोदी के विरोध में कांग्रेस की सरकार जो अलग अलग राज्यों में है वो इस कदर उतारू है कि वो अब नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ स्टैंड सरकार लेती है। आपको बता दें कि नीति आयोग अब सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में इनपुट्स उपलब्ध करवाता है। इसका बजट निर्माण या सरकार के वित्तीय कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नीति आयोग का मकसद भारत सरकार और राज्यों को एक मंच उपलब्ध करवाता है जहाँ पर दोनों के बीच बात होती है, विमर्श होता है और फिर उसके बाद राज्य के हित के लिए केंद्र फैसला लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकारें नीति आयोग की बैठक में नहीं आ रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी का विरोध हर मुद्दे पर करती रहती हैं तो वहीं अब जब कई कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं आ रहे हैं और विपक्ष के कई मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में आने का फैसला कर लिया है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही और कई राज्य की सरकारें विरोध कर रही हैं, ऐसे में ममता बनर्जी जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई हैं और नीति आयोग की बैठक में आने के लिए तैयार हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।